The export service has come out clearly. Aam Aadmi Party seems to be the front runner in the national capital. क्या लगता है मैम? सर्वे तो सर्वे होता है. 10 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा. सर्वे सर्वे होता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो 10 तारीख को पता चलेगा. लेकिन कल आपकी स्टेटमेंट जो थी उसको लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं. क्या आप मानते हैं कि आपका प्रोजेक्शन बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा अगर एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो? वो बात की बात देखते हैं, लेकिन अभी 10 तारीख के लिए वेट करना चाहिए. सर्वे इज ऑलवेज अ सर्वे. Now I think we need to wait for the 10th for the final result. Ma'am, do you think the BJP somewhere made a delay by coming in late, by getting you late, by coming out with a vision document absolutely late? I think let's once again wait for the 10th. I think you're all jumping. You're jumping to conclusions. Don't jump. Are you still confident that the BJP will come as a majority? Because assembly seats mein, kai seats mein margins bade kam hote hain. So it could swing anyway. So margins, ये पिछला रिकॉर्ड दिखाता है कि कई असेंबली सीट्स में, खासकर असेंबली सीट्स में, कई सीट्स में मार्जिन बड़े कम है. सो इट कुड स्विंग इधर वे. समटाइम्स इट्स अ मार्जिन ऑफ जस्ट 1000. मैम आपको क्या लगता है? आई वुड से, आई एम अगेन नॉट सेइंग, आई एम स्टिल सेइंग 10 तारीख तक वेट करें, क्योंकि असेंबली का जो रिकॉर्ड नजर आता है वो यही होता है कि उसकी मार्जिन बड़ी कम होती है, तो कुछ 100 से भी फर्क पड़ जाता है. आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मेरी आदत है, आज से नहीं. जिम्मेवारी मेरी, इनाम दूसरे का. अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए, एग्जिट पोल सही साबित हुए तो क्या मानेंगे आप, मैंडेट आपके खिलाफ गया या बीजेपी के खिलाफ गया? अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए आपको तो? मैंने आपको कहा एग्जिट पोल है, फाइनल पोल नहीं है. मैम अगर मुझे, मैं बार बार बता रही हूँ कि हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए.